कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास में मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने आपको पहले बता चुके हैं कि मुद्रण संस्कृति क्या है और आधुनिक दुनिया क्या है। मुद्रण का जो प्रभाव है वह आधुनिक दुनिया में किस तरह से पड़ा और किस तरह से मुद्रण के कारण जो था वह दुनिया में जो है आधुनिक दुनिया में परिवर्तन बड़े तेजी से बदलाव में आए और लोग जो है पढ़ने की रुचि जो रखते थे वे पढ़ने लिखने लगे थे और जो अधिक तेजी से पुस्तक छपने के कारण मुद्रण प्रिंटिंग होने के कारण उसी के तो पुस्तकें भी सस्ती हो गई थी और जल्दी जल्दी वो पुस्तकें अधिक से अधिक पुस्तकें छापी जा सकती थी। इस तरह से पुस्तकें थोड़ी सस्ती हुई और जो पहले की जो थी हाथ से लिखी हुई होती थी जिद चढ़ी हुई होती थी तो वो महंगी होती थी जो कि हर लोगों के पहुंच में नहीं था, लेकिन मुद्रण होने के कारण ये सस्ती हो गई थी। इस तरह से हम देखेंगे कि जैसे कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में जो थी वह चलने लगी थी, जिससे क्या था कि धार्मिक पुस्तकें जो थी वो बड़ी तादाद में व्यापक समुदाय तक पहुंच रही थी और धर्मों के बीच उनके अंदर बहस वाद विवाद संवाद आदि जो चीजें थी मत मतांतर मतलब ये सब चीजें उनको क्या होता था ज्ञान होने लगा था और वो जानने लगे थे, उसके बारे में बातें करने लगे थे, ये क्यों हुआ कैसे हुआ ये कैसे पता चला, ये सारी चीजें जो है हमारे पास आने के कारण हम उस जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। फिर देखेंगे प्रकाशन के नए रूप। प्रकाशन क्या है? प्रकाशन जो है नई नई पुस्तकों को जब हम छपने के बाद उसको जब वह लोगों के हाथ तक जाता है तो जैसे नए नए लोग पढ़ने लगे छपे हुए पन्नों को आसानी से जिंदगी जानने लगे तजुर्बों को भूगने लगे, जैसे आत्मकथा कई कहानियां ये सारी चीजें जो है हमारे पास तक आने लगी और पाठकों को इससे अनुभव का नया संसार भी मिलने लगा। जब हम आत्मकथा वगैरह पढ़ते हैं तो दूसरों की जिंदगी से भी हम बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। इस तरह से देखेंगे साहित्यिक विधाएं जैसे गीत है कहानियां है सामाजिक राजनीतिक मसलों को लेख पाठकों की दुनिया इंसानी दिन जिंदगी अंतरंग भावनाएं और ये सामाजिक राजनीतिक नियम इन सब में भी उस समय बल दिया गया था जिससे लोग उससे अपरिचित होने लगे थे। इस तरह से जो है अदृश्य संस्कृति, अदृश्य संस्कृति क्या हुई इसके अंतर्गत क्या हुआ जब पुस्तकें मुद्रित होने लगी थी तो उसमें जिससे संस्कृति आकार क्योंकि उसमें जो थे छापे जाने में कई नकलें भी की जाती थी और साथ ही साथ चित्र के द्वारा ये सारी चीजें संस्कृति को सामने लाया जाता। जैसे हम पुस्तक में पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि बहुत सारी तस्वीरों के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें जो है हम उसको आसानी से समझ लेते हैं। इसी तरह से चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें भी बनाई, दस्तकारों ने लेटर पर छापे दुकानें लगाई, मुद्रकों काम करने लगे, कैलेंडर छपने लगी, तस्वीरें बनने लगी। इस तरह से धीरे धीरे यह आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ परंपरा धर्म राजनीति समाज और संस्कृति में लोकप्रिय विचार लोक में गढ़ना शुरू हो गया था क्योंकि ये सारी चीजें जो है आम जनता तक आसानी से पहुंचने लगी थी। फिर 1870 के दशक में पत्र पत्रिका और सामाजिक राजनीतिक विषयों पर भी टिप्पणी करते हुए कैरेक्टर कार्टून और शिक्षित भारतीय जो थे वे भी पश्चिमी पोशाक ये सारी चीजें भी चित्र के माध्यम से या लेखन के माध्यम से लोगों तक पहुंचने लगे थे। यहाँ पर हम देखेंगे व्यंग चित्र में राष्ट्रवादियों को मजाक उड़ाया जाता था, राष्ट्रवादी में संप्रदायवादी जो चित्ता का निशाना जो था इसमें साधने में पीछे नहीं रहते क्योंकि कई चीजें जो बुराइयां होती है उसको हम कार्टून के माध्यम से जो अच्छाइयां होती है कार्टून के माध्यम से लोग कार्टून के माध्यम से भी उसकी बुराई और अच्छाई का बड़ाई भी करते हैं और बुराई का आलोचना भी करते हैं। फिर देखिए महिलाएं और मुद्रण, महिलाओं के जिंदगी में मुद्रण का क्या प्रभाव पड़ा इसके लिए हम देखेंगे। यहाँ पर उनकी जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी सापगोई और गहनता से लिखी जाने लगी थी। मध्यम वर्ग के घरों में जो महिलाएं पढ़ने से पहले भी बहुत ज्यादा हो गई थी क्योंकि इसमें पिता पति अपने औरतों के घर में बढ़ाने लगे थे, लोगों को जो समझने लगे थे, बड़े बड़े शहरों में स्कूल कॉलेज ये सारी चीजें भी मुद्रण के कारण खुल गई थी और लोग जो है नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया गया है। तो इस तरह से घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए भी किया जाता था, पाठ्य सामग्री भी उनको उपलब्ध कराई जाती थी। इस तरह से ये सारे परिवार में उदार दिल नहीं थे क्योंकि कई परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं तो उनकी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू रोमानी अफसाने पढ़कर मतलब इस तरह से जो थी वो पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ क्या हो। कई ऐसे थे जो कि पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि वह ये चाहते थे कि लड़कियों को काम सिर्फ घर का काम करना है घर का काम सीखना है। लेकिन फिर भी गुपचुप ढंग से ना सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखना भी सीखा,
खानदान वाले चाहते थे कि सिर्फ मैं, तो इस तरह से जिसमें फिर जवान भी पढ़ने लगे, जिद करने लगे, इससे भी अपनी थी। और बंगाल में 19वीं सदी में प्रारंभ कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्याएं भी रसोई जैसी रसोई में छिप छिप कर पढ़ना लिखना सीखा, मतलब उस समय खुल कर कई लोग रूढ़िवादी होने के कारण खुल कर वह सामने आकर नहीं पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर भी उन्हें पढ़ने में इतनी रुचि थी कि छिप कर या किसी न किसी तरह से भी शिक्षित होना चाहती थी और दुनिया के बारे में भी मुद्रण के द्वारा जानना चाहती थी। इस तरह से सामाजिक सुधारों उपन्यासों में पहले से नारी जीवन की भावनाओं को दिलचस्पी पैदा कर दी थी, जिससे कि महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आप बीती के प्रति कौतूहल भी था, क्योंकि जब महिलाओं के साथ ये सारी चीजें हो रही थी तो वे जब पढ़ लिख गई थी तो वे उस तरह से लिख कर वह पुस्तकों को भी चोरी छिपे छपवाती थी और कई लोगों के हाथ में भी आता था तो उसको पढ़कर उससे कई चीजें सीखने को मिलती थी। जैसे कैलाश वासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक में महिलाओं के अनुभवों को लिखना शुरू किया था, कैसे वे घरों में बंदी अनपढ़ बनकर रही जाती हैं और घर घर काम का बोझ उठाती हैं, इसी तरह कैसे उनको दुखकारते हैं। महाराष्ट्र में भी वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा हुआ था। इस तरह से पढ़े लिखे होने के कारण, मुद्रण होने के कारण ये सारी चीजें जो थी जो समाज को नहीं पता चलती थी वह भी धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगी थी। इस तरह से उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी और हिंदी छपाई की शुरुआत जो है 1870 के दशक में हुई थी। इस तरह एक बड़ा हिस्सा जो था नारी शिक्षण को समर्पित हुआ और 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं भी सामने आने लगी थी और इस तरह से वे लोकप्रिय हो गई और औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन में मसलों में भी लेखनी चलने लगी थी, क्योंकि कई ऐसे होते थे जो कम उम्र में विधवा हो जाते थे, उनके साथ भी बहुत ही अत्याचार होता था। इस तरह से विधवा विवाह भी और विधवा से संबंधित जीवन के बारे में भी लिखा जाता था। इस तरह से सिर्फ यही था कि आज्ञाकारी विवाह बनने की सीख देने के उद्देश्य से ही बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म पर विचार लिखे जाते थे। हालसा ट्रस्ट सोसाइटी ने भी इसी तरह की एक संदेश देते हुए सख्ती से पुस्तिकाएं छापी जिसमें अच्छी औरत बनने के उद्देश्य कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया था। इस तरह से देखेंगे कि इस तरह से इलाका बाडला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया था, जिसमें कि धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण भी हो सकते थे, क्योंकि जो छोटे छोटे किताबें जो मिलती थी जिनको गुटका कहा जाता था, मतलब वे प्रिंट भी छोटी छोटी किताबें भी मिलने लगी थी जो लोगों की पहुंच तक आसानी से पहुंच गई। प्रिंट और गरीब जनता, 19वीं सदी में मद्रासी शहर में काफी सस्ती किताबें जो है चौक चौराहों पर भी बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने के लिए जाते थे और वे खरीद लेते थे। मतलब ये जो था गरीब जनता की पहुंच तक भी आसानी से हो गया था, किसके कारण, मुद्रण के कारण। इस तरह से देखेंगे कई लोगों ने पुस्तकालय खोलना भी प्रतिष्ठा की बात थी, उस समय लोगों ने पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय में जो थे तो बहुत सारी किताबें रखी जाती थी, जो नहीं खरीद सकता था वह पुस्तकालय में जाकर वहां से पुस्तक लेकर और उसको पढ़कर उसे जानकारी एकत्रित कर सकता था और उसके बाद पुस्तक को जमा कर सकता था। इस तरह से पुस्तिकाओं में निबंधों का लिखा जाना, निम्न जाति आंदोलन, मराठी, 20वीं सदी, महाराज भीमराव अम्बेडकर, राधा स्वामी नायकर, इस तरह से बहुत से लोग थे जिन्होंने स्थानीय विरोध आंदोलन, संप्रदाय धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए मुहिम, लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे गए थे, जिससे कि लोगों को इससे संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। फिर कारखानों में मजदूर बहुत ज्यादा काम लिया करते थे, वे तजुर्बों को अपने बारे में लिखने का शिक्षा के साथ ही उनको मिली। उसके बाद जो मिल मजदूर थे उनको भी 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप कर जातीय वर्गीय शोषण के बारे में उन्होंने बताया कि मतलब किस तरह से मिल मजदूरों के साथ कार्य उसमें किया जाता था, किस तरह से उनका शोषण किया जाता था, उनको पूरा पैसा नहीं दिया जाता। ये सारी चीजें जो मुद्रण के द्वारा या किसी के द्वारा लिखने के कारण ये सारी जानकारियां जो थी लोगों को प्राप्त होने लगी। उसके साथ साथ उससे कानून बनाया गया। इसी बीच मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो गया था और साक्षरता आय और उससे राष्ट्रवाद में संदेश जो थे यथासंभव उन तक पहुंच सके। फिर देखेंगे प्रिंट और प्रतिबंध, जो प्रिंट होते थे उनमें किस चीजों को छापना है, किसको नहीं छापना है, उस पर भी प्रतिबंध था। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 में पहले औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप में पाबंदी लगाने के बारे में ज्यादा परेशान नहीं था,
क्योंकि जिस तरह से कुप्रशासन को आलोचना फिर देखेंगे। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय 1820 के दशक तक प्रेस की आजादी को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून पास किए गए थे, जिसमें कानून ने ब्रितानी शासन के उत्सव मनाने के लिए अखबारों के प्रशासन को प्रोत्साहन देना उन्होंने चालू कर दिया था, जिसमें अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादन उपहार और अर्जी लगाने के लिए 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिंक प्रेस जो थे उन्होंने कानून की पुनर्समीक्षा करते हुए राजी हो गए थे कि उदारवादी उपनिवेशिक अफसर जो है में काले ही आजादियों को बहाल करने के लिए कानून बनाएंगे, जिससे ये था कि उस समय जो आजादी के लिए लोग जो विद्रोह कर रहे थे और उसमें बहुत सारे लोग थे देश प्रेमी थे, देश प्रेम से संबंधित बातें उसमें लिखा करते थे, इस तरह से उन प्रेसों को इन्होंने प्रतिबंधित करने का कार्य किया था। फिर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, जिसमें सरकार भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय सेंसर को व्यापक हक मिल गया था, जिससे सरकार विभिन्न प्रदेशों में छपने लगी थी। लेकिन दमन नीति के बावजूद भी राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ने और फैलने लगे थे, जिससे क्या हुआ, इसमें तमाम कोशिशों के बावजूद भी पंजाब में जो क्रांतिकारियों ने 1907 में काला पानी भेजा गया था, बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी केसरी में गहरी हमदर्दी जताई थी और इसी का नतीजा यह था कि 1908 में कैद कर लिया गया था और परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध किया गया था। इस तरह से हम देखेंगे कि जो प्रेस के द्वारा जो है हर चीज़ छोटी से छोटी जानकारी जो है हमें आसानी से प्राप्त हो जाती थी, वह इसलिए हो जाती थी क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं प्रेस में मुद्रित होती थी और उसके बाद वह चीज़ें जो है हमारे पास तक आती थी और हम उसे पढ़कर उससे बहुत सारी जानकारियां जो है आसानी से हमें प्राप्त हो जाती थी। जिस तरह से कि वर्तमान में हम विज्ञापन के द्वारा, मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा, मतलब ढेर सारे न्यूज़ के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा सारी जानकारियां जो हैं हमें पल पल की जानकारियां जो हैं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं और न्यूज़पेपर तक हमें यूट्यूब में आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से उस समय ये साधन नहीं थे, लेकिन वर्तमान में ये सारे साधन जो है उपलब्ध